नमस्कार, जय हिंद साथी। मैं हूं विवेक औदिच्य, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख रखा है कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र, संस्कृत पेडागोजी, दोस्तों इससे पहले मैंने आपको प्रत्यय की क्लास ली है, मैंने संस्कृत में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये सब वीडियो बनाई है, धातु रूप की बनाई है और शब्द रूप की याद करने की ट्रिक बनाई है। शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय और संस्कृत में क्या सिलेबस है, सब की डिस्कस की है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सीक्वेंस वाइज तरीके से पढ़ाई कर लीजिए दोस्तों। ये सारे के सारे जो सिलेबस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे सिलेबस दोस्तों इस चैनल के माध्यम से शाम 7:30 बजे कवर किया जा रहा है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को भाषा कौशलम टॉपिक पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र में एक टॉपिक है भाषा कौशलम। तो संस्कृत शिक्षण शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो भाषा कौशलम, भाषा कौशल चार प्रकार के होते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका संस्कृत हो। भाषा कौशल हिंदी में यदि हम बात करें तो क्या आपका बन जाता है, सुबोपली, सुबोपली हो जाता है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। वही मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में आपका हो जाएगा श्रवणम, संभाषणम या वाचनम, पठनम और लेखनम। दोस्तों जो हिंदी में सुनना होता है वही संस्कृत में श्रवणम हो जाता है, जो बोलना होता है हिंदी में वही संस्कृत में वाचनम और संभाषणम हो जाता है, जो पढ़ना को यहाँ पठनम और लिखना को यहाँ लेखनम। यानी कि संस्कृत में भाषा कौशल दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, श्रवणम, संभाषणम अथवा वाचनम, पठनम अथवा लेखनम और लेखनम। अब दोस्तों एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो ग्रहण मतलब आप ग्रहण चीजों को ग्रहण कैसे करते हैं, या तो भाषा को आप कैसे ग्रहण करेंगे, या तो सुनकर ग्रहण करेंगे, या किस जैसे भी क्या कर रहे हैं आप, ईयरफोन लगाए होंगे, या तो आप साउंड सुन रहे होंगे मोबाइल के साउंड से सुन रहे होंगे या ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे। तो हमारे द्वारा भाषा कौशलम टॉपिक को जो मैं क्लियर कर रहा हूं उस या तो आप सुन रहे हैं और या आप पढ़ रहे हैं, जो स्लाइड पे आ रहा है इसको आप पढ़ रहे हैं, पठनम कर रहे हैं। तो चा मतलब और होता है श्रवणम पठनम चा। तो भाष ग्रहणात्मक कौशलम किम अस्ति, तो आप कहोगे श्रवणम पठनम, श्रवणम पठनम चा, ये होता है ग्रहणात्मक कौशल। अभी अभी अब आता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशलम। आप मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भाषा कौशल चैप्टर को, टॉपिक को आप सभी लोगों के सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या उत्पाद, उत्पाद दोस्तों, उत्पाद कौशलम। उत्पाद कौशलम क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, तो ये दोनों एक ही हैं। या तो आपसे उत्पाद कौशलम के नाम से पूछा जाए या अभिव्यक्तात्मक कौशलम के नाम से पूछा जाए, बात एक ही है दोस्तों। तो संभाषणम यानी कि आप बोल करके, या वाचनम मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं अपने आप को जो पढ़ा रहा हूं भाषा कौशल चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बोल के कर रहा हूं और लिख कर कर रहा हूं। तो संभाषणम वाचनम च, संभाषणम अथवा वाचनम और लेखनम च, और को मतलब होता है च। तो ये आपकी बात रही, ये दो प्रश्न आपका आना अनिवार्य हो जाता है, या तो CDP में आएगा हिंदी में या संस्कृत में आ जाए, इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करते हैं भाषा कौशलम अंतः संबंधितता अस्ति। भाषा कौशल जो होते हैं सुनना, श्रवणम, पठनम, लेखनम, वाचनम, ये सब अंतः संबंधित होते हैं। पिछली बार आपके सीटेट में आया, उससे पिछली बार सीटेट में आया, उससे पिछली बार सीटेट में आया, या हम कह दें ये प्रश्न बहुत, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात कहेंगे दोस्तों कि जो भाषा कौशल होते हैं श्रवणम, पठनम, लेखनम, वाचनम, ये सब पठनम, ये सारे के सारे अंतः संबंधित। ऐसा नहीं कि पहले श्रवणम सीखोगे फिर पठनम सीखोगे फिर लेखनम सीखोगे, कुछ नहीं, सारे एक दूसरे से अंतः संबंधित है, सारे साथ साथ सीखे जाते हैं। तो वही उसका उल्टा है कि भाषा क्रम से नहीं सीखी जाती, गलत हो जाएगा। सूक्ष्म पेशीय कौशलम, सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या है पूछा जाएगा, सूक्ष्म पेशीय कौशलम किम अस्ति, तो आप कह देना सूक्ष्म पेशीय कौशलम लेखनम अस्ति, सूक्ष्म पेशीय कौशल लेखनम होता है। लेखनम कैसे, जैसे कि आप मोती पिरोते हैं माला में तो सारी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, सारे हाथ में, हाथ की सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, पांचों उंगलियों का। उसी प्रकार लेखन में आप पांचों उंगलियों का प्रयोग करते हैं, तो लेखन एक सूक्ष्म पेशीय
कौशल है। अब बात करते हैं पठन समय आवश्यकता अर्थबोध। पठन पढ़ने के समय सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, यह पूछा जाएगा आपसे। प्रश्न क्या बनेगा कि पठन समय आवश्यकता अर्थ अवबोध, तो आपको पठन पढ़ते समय अर्थ का बोध होना बहुत जरूरी है। लास्ट वन आपका है कि श्रवणम वाचनम कौशलम का विकास, सुनने और बोलने का जो विकास होता है वो कैसे होता है, अभिनव से, एक्टिंग से और संवाद, बोलने से सुनने और बोलने का विकास होगा। तो ये दोस्तों आपका जो टॉपिक था, ये इस डायरेक्ट जो मैंने ब्लू पॉइंट से बना के रखे हैं, डायरेक्ट पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाओ, वहां पीडीएफ दे दूंगा। इतना सब कुछ पढ़ लो, 3 नंबर आपके पक्के, मात्र 1 पेज से 3 नंबर दोस्तों। देखिएगा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर उठाइए, ना आए तो कहो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर 3 नंबर का नहीं आया। 3 नंबर से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा भाषा कौशल दोस्तों, हिंदी और CDP, हिंदी और संस्कृत मिलाकर के। दोस्तों 7:30 बजे का टाइम फिक्स कर लो अपनी घड़ी में, 7:30 बजे विवेक सर डेली लाइव आते हैं एक संस्कृत का टॉपिक लेकर के। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके।